मुजफ्फरपुर और मैं अर्पिता आज दिन भर की तमाम खबरों के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सदर थाना की पुलिस ने 57 पुड़िया स्मैक के साथ 7 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में लगाए गए आपातकाल को बताया काला दिवस। और एटीएम फ्रॉड कर भाग रहे 2 शातिर चोरों को लोगों ने पकड़कर की पिचाई। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। सदर थाना की पुलिस ने माधोपुर सुस्ता इलाके में छापेमारी कर 7 स्मैक धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक के साथ 7 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इसमें आरोपितों ने बताया कि वे अहियापुर से स्मैक की खेप लाकर खुद सेवन करते हैं। इसके अलावा स्मैक की खेप को सदर और मनियारे थाना क्षेत्र में भी खपाते हैं। सभी अहियापुर सहित अन्य स्मैक के कई धंधेबाजों के नाम व पता की जानकारी दी है। इसके आधार पर सदर पुलिस छापेमारी कर रही है। दरोगा मणिभूषण कुमार के बयान पर FIR दर्ज की गई है। इसमें 7 लोगों को आरोपित किया गया है। आरोपितों में सदर थाना क्षेत्र की सुस्ता माधोपुर निवासी सुमित कुमार, रतवारा निवासी निहाल राज रंजन, सुस्ता निवासी मंजीत कुमार, सुस्ता माधोपुर निवासी विकास कुमार, खबरा निवासी आदित्य राज, लखीसराय जिले के बड़हरिया व वर्तमान खबरा निवासी अभिराज व मनियारे थाना के माधोपुर सुस्ता निवासी सोनू कुमार उर्फ निक्की शामिल है। तलाशी के दौरान इनके पास से 97 पुड़िया स्मैक जब्त किया गया है। दरोगा जैनेन्द्र झा ने बताया कि गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई थी। पुलिस को देखकर सभी वहां से भाग रहे थे। इसी बीच पुलिस ने सभी को घेराबंदी कर धर दबोचा। पूछताछ के बाद जेल भेजा जा रहा है। गुप्त सूचना मिली थी जिस पर जो है सदर थाना के टीम गठित हुआ, उस पर SI मणिभूषण कुमार के साथ और भी जो SI लोग हैं वो छापेमारी किया और उसी में स्मैक बरामद हुआ। फिर आगे कांड दर्ज करके जो है आज जेल भेजा जा रहा है। कितने लोग? 7 लोग हैं। बरामद किया स्मैक है, अब पुड़िया है, सबके साथ से जो है 57 कुल पुड़िया है, 5 पुड़िया 7 पुड़िया जितने लोग हैं सबके। बेचते हैं या डीलिंग करते हैं, क्या करते हैं लोग? नहीं, लोग बेचते भी हैं और पीते भी हैं। पूछताछ में क्या कुछ बताया गया? पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। जिले में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में लगाए गए आपातकाल यानी काला दिवस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रविवार को एक निजी कार्यक्रम के दौरान जिले के मारीपुर स्थित सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद सभी से बैठक कर मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी को सुना। वही पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 26 जून यानी काला दिवस, इस दिन कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी, जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। उन्हें देखना चाहिए कि कांग्रेस के किस तरह लोकतंत्र के चेहरे पर काला धब्बा लगाया था। मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में लगाए गए आपातकाल की चर्चा की, साथ ही कहा कि आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर भी चर्चा की, बताया कि किस तरह से लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, प्रेस पर लगाम लगा दिया गया था। ये निश्चित तौर पर एक काला अध्याय है। इस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी, कांग्रेस ने जनता के साथ छलावा किया था। जून है, लोकतंत्र के इतिहास में आज काला दिवस है। जो लोग लोकतंत्र के दुहाई देते हैं उन्हें इस अवसर पर समझना चाहिए कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या किस तरह से की है। और मोदी जी का आज मन की बात भी था, मन की बात में भी उन्होंने 26 जून की बात कही है। लोकतंत्र के काले अध्याय और काला धब्बा लगाने का जो काम किया था, लोगों की जुबान बंद करके, प्रेस पर लगाम लगा करके, मोदी जी ने भी मन की बात में कहा। और साथ ही साथ मन की बात के माध्यम से मोदी जी पूरे देश के लोगों से जुड़ करके अपनी बात नहीं बल्कि लोगों की बात मन
उनकी बात तक पहुंचाने का काम करते हैं। मुशाड़ी गांव के किसान ने सुगर फ्री आम की खेती की है। अमेरिकन ब्यूटी के नाम से जाने जाने वाली इस आम को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आम को फलों का राजा कहा जाता है। इन दिनों आम का मौसम चल रहा है। देश भर में एक से बढ़कर एक किस्म के आम का स्वाद लोग ले रहे हैं। इसी बीच जिले के किसान भूषण सिंह के बाग का आम चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आम का शेप, साइज और रंग इतना अलग है कि आने जाने वाले इसे एक बार रुककर जरूर देखते हैं। किसान का दावा है कि यह आम शुगर फ्री है, जिसका नाम है अमेरिकन ब्यूटी। इसे देखने वाले एक बार इसके नए पौधे की मांग जरूर करते हैं। जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर पूरब की ओर स्थित मुशरी गांव के रहने वाले किसान भूषण सिंह ने पश्चिमी बंगाल से लाकर इस किस्म के आम अपने बगीचे में लगाए हैं। करीब 6 साल बाद इसमें फल आने लगा। 2 सालों से इसमें फल लग रहे हैं। किसान बताते हैं कि इसका मंजर और दाना सामान्य आम की तरह निकलता है, लेकिन शुरू से लेकर पकने तक यह आम 16 बार अपना रंग बदलता है। पकने के समय इसका वजन आधा किलो से ज्यादा हो जाता है। सामान्यतः इसका वजन 400 ग्राम होता है। पिछले साल कम फल आया था तो चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन इस साल रास्ते से गुजरने वालों ने आम को सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल इसका आंकड़ा और रंग साधारण आम से अलग है। किसान भूषण सिंह ने बताया कि यह आम 5 माह में तैयार होता है। अगले माह यानी जुलाई में यह पककर तैयार हो जाएगा। स्वाद के सवाल पर किसान का कहना है कि इसमें मिठास कम क्योंकि यह शुगर फ्री वैरायटी है। हालांकि इसका स्वाद बहुत अच्छा है। उन्होंने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिकों ने भी इस आम का स्वाद चखा है। इस आम के नए पौधे की मांग जोर शोर से की जा रही है। इसे देखने वाले अपने बाग में लगाना चाहते हैं, लेकिन इसकी नर्सरी अभी नहीं बनाई गई है। किसान ने बताया कि नया पौधा तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। सबसे पहले छोटा आकार में ही पौधा का बोनसाई टाइप का पौधा हो गया, इसे फलना शुरू कर देता है। दूसरी खासियत है जो फलने का संख्या इसका बहुत ज्यादा होता है। सबसे बड़ी खासियत के नाम पे आइएगा तो ये कलर बदलने का खूब काम होता है इसका। ये 16 कलर बदलते बदलते 16 कलर हो जाते हैं। और शुगर फ्री देखिए कितने समय में होता है, कितने टाइम लगता है इसमें? ये लगाने से 2 साल आप ले लीजिए, 2 साल में आपका ये फल देना शुरू कर देगा। आप कितने साल में ये हमारा पौधा तो पुराना है, लेकिन किसी कारण बस ये पौधा सूख चुका था, फिर इसको हम लोग उपचारित किए हैं तो ये जिंदा हुआ और पुनः इसमें से डाल निकला है और डाल अपना शुरू। लोग चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बिल्कुल चर्चा का विषय है, लोग इसको देखते हैं। कहाँ से लाए थे पौधा? ये लाए थे हम बंगाल से। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भूषण सिंह हुआ। तो ये शुगर फ्री है तो क्या कीमत भी आम आम के मुकाबले ज्यादा होगा इसका? हाँ, ये तो शुगर फ्री के नाम पे तो अलग आई है, इसके कलर से ही इसका दाम है। गायर थाना की पुलिस द्वारा घर में घुसकर महिला की पिटाई करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिले के गायघाट पुलिस द्वारा बेरहमी से घर में घुसकर महिलाओं को डंडे से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि रात में पुलिस की टीम एक घर में पहुंचती है, कमरे में सर्च किया जाता है। इस दौरान वहां मौजूद एक युवती इसका वीडियो बना रही है। वहीं एक महिला इस पुलिस कार्रवाई का विरोध भी कर रही है, पुलिस के साथ वह जमकर विवाद भी करती है। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी डंडे से उसे पीटने लगता है, चीख पुकार मच जाती है। ये वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा का विषय बन गया है। इस संबंध में घटना की रामनगर की सरिता सिंह ने SSP को आवेदन भी दिया है। बताया कि वे लोग रात में घर में सो रही थी, इसी दौरान दरोगा कुमार, प्रमोद और अनूप लाल समेत 12 से 13 पुलिस जवान जबरन घर पर आते हैं, फिर दरवाजा खुलवाते हैं, सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं। यह देखकर उनका बेटा अक्षय पूछता है, किस केस में आप लोग यहाँ आए हैं? इतना सुनते ही पुलिस वाले आग बबूला हो जाते हैं, बेरहमी से उसे पीटने लगते हैं। इसका विरोध जब वहां मौजूद महिलाएं करती हैं तो उन्हें भी डंडे से मारा जाता है। इधर मामले में पुलिस पदाधिकारियों का कहना है कि शराब धंधेबाज दीपक सिंह, जो कई केस में वांछित है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर रेड करने पुलिस गई थी, लेकिन उसने घर की महिलाओं को आगे कर दिया। जब पुलिस ने दीपक सिंह को दबोचा तो महिलाओं समेत अन्य ने मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया।
पटना स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती बच्ची आखिरकार रविवार को दम तोड़ दी। मृत बच्ची अयापुर इलाके की रहने वाली थी। शहर के दाऊदपुर कोठी में 19 जून को हुए मारपीट में जख्मी दूधमुहे बच्ची की रविवार को मौत हो गई। वह पिछले एक सप्ताह से हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। आखिरकार उसने पटना स्थित एक हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। शव लेकर पहुंचे परिजन ने जमकर हंगामा किया। अयापुर और ब्रह्मपुरा पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। परिजन ने कहा कि पुलिस वाले आरोपियों से मिले हुए हैं, इसलिए शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। मृत बच्ची की पहचान मोहम्मद शमसी की 6 महीने की बेटी तानिया परवीन के रूप में हुई है। उसके पिता कबाड़ का काम करते हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस के प्रति लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। समझाकर सभी को शांत कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कवायद की जा रही है। को हमको भाई सब के मार रहा था तो हम गए देखने के लिए, बस हमको भी बास चला दिया। हम गिर गए तो हमारा बच्चा गई, बच्चा के ली थी गोदी में, उसको हाथ में से छीन के हाँ हमारा बच्चा के बेटी के हाथ में से छीन के हमारा नतनी के फेंक दिया। जहीर मियाँ लड्ढन था, ममूत था, यही ना यही 3 गो था, जहीर मियाँ लड्ढन आ ममूद। अच्छा। और उसको बाद हम चल गए भाई सब के संगे मेडिकल। दो दिन के बाद हमारा लड़की बुखार लग गया बच्चा के, वो तो अंदर में चोट लगा हुआ था, इसको मालूम नहीं चला। तो ये सोची कि बुखार लगा हुआ है, हम दवाई कराने जा रहे हैं। गए मेडिकल में पुर्जा कटा के बुखार के दवाई चला रही थी। उसको बाद रिपोर्ट में बाद में आया रिपोर्ट में कि दिमाग के नस फट गया। अयापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के समीप बीती रात चोरों ने किराना दुकानदार का दरवाजा तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। जिले में बेखौफ चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन चोरों के द्वारा दुकान या मकान को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। दरअसल शनिवार की रात चोरों ने अयापुर थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर 0 माइल चौक स्थित एक जनरल किराना स्टोर का दरवाजा तोड़ कैश समेत लाखों के कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, दुकान में लगे सीसीटीवी के हार्ड डिस्क को भी चोरों ने तोड़ दिया। घटना के संबंध में दुकानदार ललन सिंह ने बताया कि उन्हें पड़ोसियों के द्वारा सूचना दिया गया कि उनके दुकान का दरवाजा टूटा हुआ है। जब वहां पहुंचे तो दुकान में रखे कैश और सामान गायब था। ललन सिंह ने बताया कि उनके दुकान में पहले भी 4 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अयापुर इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटना से व्यवस्थाओं में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश है। मैं वो आया था लमसम 1:15 के आसपास में आया, और वो दुकान में घुस गया और घुस कर आराम से कैमरा के पहले ऊपर कर दिया, इसका मशीन हार्ड डिस्क का पूरा खोल लिया। इसके बाद बैठ कर लाइट भी जलाया, और लाइट जलाने के बाद सामान सब देख लिया। जो कीमती सामान था वो सामान ले लिया, पैसा गला में के 7,000 रुपया खुदरा था वो भी ले लिया, और जो बीका जी हल्दीराम का मिक्सर था वो ले गया, खाली कर दिया। काजू किशमिश पिस्ता बादाम था, 0.5 किलो और 250 ग्राम का पैक था, 2 रैक में पूरा भरा हुआ था, वो सब खाली कर दिया। लगभग कितना नुकसान? 1 से 1.25 लाख के आसपास में कल है वो चोरी करके ले गए। पता चला हमको 2 बजे के आसपास, फोन गया तो हम लोग डेरा पर से आए, तब देखे कि ऐसे ऐसे डेरा हुआ यही बाजार समिति के अपोजिट से। हाँ, इधर से पूरा खुला हुआ था। कितना बार चोरी है? 4th बार यही लगा चोरी हुआ। पहले भी? इससे पहले बार भी हुआ। पहले भी चाकू की जी? इससे पहले चाकू की बाजी? हाँ, एक स्टाफ का था, एक घवाहिल पूरे तरह से उसने 1.5 लाख रुपया हमको स्टाफ का जो घवाहिल हुआ था इसको इलाज करने में पैसा लगा था। और लगातार चोरी हुई थाना बगल में? हाँ, थाना बगल में है, बल्कि थाना कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई एक्शन नहीं लेता है थाना। जी कैमरा वगैरह भी मोड़ दिया है? जी, पूरा कैमरा के पूरा ऊपर कर दिया कि कैमरा से पता नहीं, हार्ड डिस्क सब ले गया। हाँ, वो सब ले गया। यहाँ तक कि ठंडा और बिका जी का रसगुल्ला गुलाब जामुन वहाँ बैठ कर आराम से अंदर में खाकर और जो बाहर निकले खाक भी दिया और ले चल गया।
एलएस कॉलेज सभागार में ब्रह्मर्षि विकास संगठन द्वारा स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ब्रह्मर्षि विकास संगठन की तरफ से आज एलएस कॉलेज के सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि स्वामी सहजानंद हर समाज हर जाति के लिए काम किए हैं। स्वामी सहजानंद के पहल पर ही जमींदारी प्रथा खत्म हुई और बिहार जमींदारी प्रथा खत्म करने वाला पहला राज्य बना। स्वामी जी ने ही देवघर में दलितों के प्रवेश का अभियान चलाया और दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दिलाई। आज इस सभा के माध्यम से समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो रास्ते दिखाए उनकी जो कृतित्व है उसको याद करते हुए समाज जो आज भटकाव की स्थिति में है किस तरह से उसे अपने संस्कार की ओर लौटा के लाए। इसी सिलसिले में आज उनके पुण्य दिवस के अवसर पर आज के माहौल में आज के समय में स्वामी सहजानंद सरस्वती इस तरह से प्रासंगिक हैं। वहीं संयोजक सुनील कुमार ने बताया कि ब्रह्मर्षि समाज की तरफ से 15 जुलाई से यूपीएससी बीपीएससी बैंकिंग की तैयारी को लेकर फ्री में कोचिंग की व्यवस्था की गई है। इसमें ब्रह्मर्षि व अन्य समाज के बच्चे फ्री में शिक्षा ग्रहण कर देश की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हम सामाजिक कार्य की उद्घोषणा करने वाले हैं। आज एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम पूरे समाज के लिए बांट रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के फ्री कोर्स जिसमें रोजगार देने वाला भी है और शिक्षित करने वाला भी है लोगों में वितरित कर रहे हैं और आज से यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। यह 15 तक लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना जमा करेंगे और उनका फ्री कोचिंग जो भी गरीब विद्यार्थी है या पढ़ने वाले मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं सभी का हम लोग शिक्षण मुफ्त करेंगे। ब्रह्मर्षि समाज के ही नहीं जब पहले तो है कि जो उपेक्षित है हम उनको मदद करेंगे, लेकिन ब्रह्मर्षि समाज कभी अपने लिए काम नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए काम किया है और सर्व समाज को जितने भी लोग चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि स्वामी सहजानंद जी किसी एक ब्रह्मर्षि के लिए नहीं, उन्होंने अपने संघर्ष किया था कि जो अपने अछूत भाई हैं उनको देवघर में प्रवेश दिलाया जाए। जमींदारी प्रथा उन्होंने दूसरों के लिए गरीबों के लिए, क्योंकि जमींदारों के यहाँ शोषण हो रहा था तो उसको खत्म कराने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। श्रावणी मेला को लेकर की जा रही तैयारियों का निरीक्षण के लिए पहुंचे एसडीओ पूर्वी ने पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। सावन में पहलेजा घाट से जल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर सरकारी स्कूल कॉलेजों में शिविर लगाए जाएंगे। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि कांवड़िया पथ पर स्थित स्कूल कॉलेजों में शिविर लगेगा। इसमें शिक्षा विभाग का बैनर लगाने के साथ ही पेयजल शौचालय और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। स्कूल के शिक्षक भी शिविर में सहयोग करेंगे। सावन में रविवार से शुरू होकर सोमवार तक यह शिविर कार्यरत रहेगा। करीब 3 दर्जन स्कूल कॉलेजों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। एसडीओ पूर्वी का कहना है कि पहलेजा से जल लेकर पैदल ही श्रद्धालु बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक करने आते हैं। इस दौरान स्कूल कॉलेजों में उनका ठहराव होता है। उनकी सुविधा के लिए प्रशासन के सहयोग से शिविर लगाया जाएगा, जिसे लेकर प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि स्कूल परिसर और संपर्क मार्ग की साफ सफाई शुरू कराएं। पेयजल शौचालय और रोशनी के लिए शिविर में जनरेटर की व्यवस्था की जानी है। जो निरीक्षण हम लोग किए हैं अभी हरिसभा चौक के पास हम लोग देखे हुए हैं, वहाँ अभी नगर निगम सिटी मैनेजर से भी बात हुई है, 2 दिन में वहाँ भी काम लग जाएगा। और अघोरिया चौक के पास जो काम लगा हुआ है वो नाइट शिफ्ट में काम चल रहा है, तो 3 से 4 दिन में लगता है कि वो भी काम पूरा हो जाएगा। और अभी हम लोग आए हैं IDS कॉलेज में जहाँ टेंट सिटी बनाया जाना है, तो ऑलरेडी PhD के द्वारा यहाँ पर 50 शौचालय बनाए जाने का हम लोग का टारगेट है, जिसमें 30 शौचालय में भी काम लगा हुआ है और शौचालय के बगल में ऑलरेडी स्नान घर भी बनाया जाएगा। और दूसरे साइड जो पीला वाला बिल्डिंग है उसके बगल में फिर हम लोग का 30 शौचालय रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो शौचालय पेयजल और बढ़ाएंगे हम लोग। और पर्यटन विभाग के द्वारा भी स्वीकृति प्राप्त हो गई है यहाँ टेंट सिटी के लिए, तो विभाग के द्वारा भी और जो संस्कृति एवं युवा विभाग है उसके द्वारा मनोरंजन कार्यक्रम भी यहाँ चलाया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग सभी चीज़ की व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं। तो इंक्रोचमेंट लेकर लगातार हम लोग का नगर निगम की तरफ से ड्राइव चल रहा है, प्रत्येक दिन चिन्हित है
और जो रास्ता है कांवरिया को कोई भी दिक्कत नहीं हो उसके लिए लगातार हम लोग अतिक्रमण मुक्ति अभियान भी चला रहे हैं और जो भी स्लैब वो बनाने की आवश्यकता है मरम्मती कार्य जरूरी है। 2018 में बिना वीजा के मधुबनी में गिरफ्तार अमेरिकन नागरिक को न्यायालय ने जमानत दी। 19 मार्च 2018 को मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खौना ओपी समीप से अमेरिकी नागरिक डेविड क्विंग को बिना वीजा के भारत में घुसने के आरोप में एसएसबी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद डेविड क्विंग पर एसएसबी अधिकारी ने विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था। डेविड को मधुबनी कोर्ट से सजा सुनाई गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर उसे मधुबनी उपकारा से मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था। मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के जेल कर्मियों ने डेविड को जुर्माना राशि भर दी। मधुबनी के तत्कालीन सब जज शाह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने फॉरेनर अमेंडमेंट की धारा 14 के तहत डेविड को दोषी करार दिया था। उसे 5 वर्ष की सजा और 2000 का आर्थिक दंड दिया गया था, लेकिन डेविड का कोई जमानतदार नहीं आया था। अंततः जेल कर्मियों ने ही जुर्माना की राशि भरकर उसे रिहा कराने में मदद की, जिसके बाद अमेरिकी नागरिक डेविड क्विंग को अच्छे आचरण के कारण समय से पूर्व रिहा कर दिया गया। वह 5 साल की सजा काट रहा था। उसकी सजा अगले वर्ष 20 मार्च को पूरी हो रही थी। कोलकाता स्थित अमेरिकी दूतावास के अधिकारी क्लिंटन टायरॉन वॉल्स के नेतृत्व में पहुंची टीम डेविड को अपने साथ ले गई। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे दिल्ली से अमेरिका भेजा जाएगा। जेल अधीक्षक ब्रिजेश कुमार मेहता ने बताया कि दूतावास की तरफ से डेविड के वतन वापसी की व्यवस्था की गई थी। पूरे मामले को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि 19 मार्च 2018 को मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के खौना ओपी के समीप से एसएसबी ने उसे गिरफ्तार किया था। उस पर बिना वीजा के भारत में घुसने का आरोप था। इस संबंध में एसएसबी के अधिकारी ने विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था। डेविड को मधुबनी कोर्ट से सजा सुनाई गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर उसे मधुबनी उपकारा से मुजफ्फरपुर सेंट्रल में शिफ्ट किया गया। आज उसकी वतन वापसी से उन्हें लगता है कि उनका यह छोटा सा प्रयास पूर्ण होने से 270 दिन पहले ही उसको रिलीज किया गया। 22/6/2022 को रिलीज ऑर्डर हुआ। 23/6/2022 को सुबह सुबह उसको जेल से भेज दिया गया और अमेरिका के जो प्रतिनिधि थे राजदूत भवन के क्लिंटन टायरॉन वॉल्स उनके साथ में उनको भेज दिया गया। आज हमें जानकारी मिली है कि आज उनको दिल्ली से अमेरिका के लिए वापस उनको वतन वापसी भेज दिया जाएगा। इसमें हम लगातार 4-5 साल तक संघर्ष किए, जो आज संघर्ष का फल मुझे मिला और मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारे इंडिया का नाम कम से कम अमेरिका में तो जाएगा कि वहाँ पर मानवाधिकार के लिए हर एक व्यक्ति मजबूती के साथ खड़ा रहता है। सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर इलाके में एटीएम फ्रॉड गिरोह के 2 छात्रों को लोगों ने खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की। जिले में रविवार को रुपए छीनकर भागने के आरोप में 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा। इसके बाद दोनों की जमकर पिटाई की गई। फिर दोनों को बिजली के खंभे में बांध दिया गया। इसके बाद दोनों पर जमकर लाठी डंडे लात घूसे व बेल्ट चले। इसमें दोनों जख्मी भी हो गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर इलाके की है। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। वहीं पिटाई के दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की, लेकिन भीड़ का आक्रोश दोनों पर जमकर टूटा। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना सदर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने दोनों युवकों को भीड़ के चुंगल से निकालकर इसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार सदर इलाके के माधोपुर सुस्ता में एक व्यक्ति एटीएम से रुपए निकासी करने पहुंचा था। इसी दौरान दोनों आरोपी युवक एटीएम के समीप घात लगाए हुए थे। उक्त व्यक्ति जैसे ही रुपए निकालकर एटीएम से आगे बढ़ा, दोनों ने उससे रुपए छीन लिए। पीड़ित के शोर मचाने पर दोनों शेरपुर की ओर भाग निकले। इस दौरान कुछ लोगों ने दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों शेरपुर गुमती के समीप पकड़े गए। इसके बाद दोनों की जमकर धुनाई की गई। इधर दरोगा जैनेन्द्र झा ने बताया कि 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों के नाम पते का सत्यापन किया जा रहा है। आवश्यक पूछताछ के लिए जो है बुलाया गया है, उसमें जांच चल रहा है कि कहां से ये एटीएम का फ्रॉड करता है या कौन कौन लोग इसमें जुड़ा हुआ है। इस पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
पब्लिक द्वारा ही पकड़ा गया, पिटाई उटाई भी किया गया? ऐसा तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों एटीएम फ्रॉड करते हुए कुछ हेरा फेरी कुछ कर रहा था, इसमें स्थानीय लोग उनको पकड़ के रखा हुआ था। फिलहाल आगे पूछताछ चल रही है? हाँ, हम लोग लाए हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं और आगे देख रहे हैं कि इसमें कई तरह के खुलासा होने की संभावना है और एटीएम फ्रॉड पकड़ने की संभावना है इसमें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, AIIMS, NEET, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं।
International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड शेखपुर अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 एंड 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैक बेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेजेट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट ब्लेजर, विंटर के जैकेट स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी अंडर गारमेंट सारे चीज सब ब्रांड में है। टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में दो बार स्नान कराना, और कुछ गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गाँव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं। बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियां लौट आई हैं। आप भी हमारी एक बात मानो, चमकी बुखार को, चमकी बुखार को पहली चमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ, चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं, चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं, और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं, और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए,
बच्चों को कुछ ना कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं, और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए हैं, यदि उनको ससमय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें, और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सरी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए, और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं, हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है, और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में, और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें, और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उसे चिकित्सा करके ठीक कर सकें, इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सहबाजपुर स्थित मस्जिद परिसर में जमात इस्लामी हिंद की ओर से मस्जिद परिचय का आयोजन किया गया। जमात इस्लामी हिंद की ओर से रविवार को सादतपुर स्थित मस्जिद नूर के परिसर में मस्जिद परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वक्ताओं के द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। मस्जिद से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझाया, साथ ही उन्होंने इस्लाम के मूल सिद्धांतों से भी परिचित कराया। वहीं जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल हसन ने बताया कि मस्जिद परिचय कार्यक्रम का असल उद्देश्य मस्जिद में मुस्लिम इस्लाम को लेकर जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करना व नागरिकों के बीच प्रेम एवं भाईचारे को बढ़ावा देना। एक नई पहल है, इसके पहले शायद बहुत कम ही जगहों में यह हुआ है, और इसका मेन उद्देश्य यह है कि लोगों को मस्जिद के बारे में पूरा परिचय दिया जाए कि मस्जिद क्या है, यहाँ हम क्या करते हैं और इसका उद्देश्य क्या है, और समाज जो है इससे किस तरह से जो है लाभान्वित हो सकती है। तो इसी प्रोग्राम का आयोजन करने का यही उद्देश्य है कि लोगों को यहाँ बुलाया गया है और लोगों को दिखाया गया कि मस्जिद में क्या है, यहाँ क्या क्या होता है, और फिर एक पूरा परिचय इसका दिया गया कि मस्जिद का समाज में क्या रोल हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, मेन जगह है जहाँ पर के मुस्लिम समुदाय के लोग जमा होते हैं और एक साथ मिलकर अपने ईश्वर को याद करते हैं, जिसको हम कहते हैं नमाज पढ़ते हैं। लेकिन नमाज पढ़ने के अलावा के अतिरिक्त भी इसका बहुत सारा काम हो सकता है। जैसे ये एजुकेशन सेंटर भी है, मेडिटेशन सेंटर भी है, ये रिलीफ का भी सेंटर है, और अगर कुछ पब्लिक डिस्प्यूट्स है उसको भी यहाँ पर हम बैठ के उसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो लोगों के ठहरने की जगह भी हो सकती है, और अगर डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनको अगर रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम हो जिसका हम लोग करते हैं। तो इसके बहुत सारे जो है फ़ायदे हैं, शर्त यह है कि इसको सही इस्तेमाल इसका किया जाए। और अभी तक ये होता आया है कि लोगों, हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को खुद ही नहीं मालूम है कि मस्जिद को हम कितनी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो इतना बड़ी जगह, इतना पैसा खर्च करके
सिर्फ अगर नमाज पढ़ने के लिए 1.5 घंटा इस्तेमाल किया जाए तो ये सही नहीं हो सकता है। हमने देखा है पहले भी कि प्रॉफ़िट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मस्जिद बनी मदीना में, वहाँ पर सब काम होता था। पहली यूनिवर्सिटी जो कह सकते हैं आप मुसलमानों की, वो मस्जिद के अंदर थी। वही ये रिहैबिलिटेशन सेंटर था, वही रिलीफ का सेंटर था, वही पब्लिक डिस्प्यूट को जो है सॉल्व करने का सेंटर था, और नमाज तो पढ़ी ही जाती है वहाँ पर। ये एक मिथ था कि मुसलमानों को ही सिर्फ इसमें अलाउ करते हैं हम लोग, ऐसा जैसा कि आज इसका भी एक उद्देश्य ये भी था कि आप मोस्ट वेलकम है यहाँ पर। राम हनुमान मंडल मंदिर प्रांगण में कमेटी के सदस्यों ने बैठक कर नए कमेटी चुनाव की घोषणा की। श्री राम हनुमान मंडल मंदिर के कमेटी के कार्यालय का आज अंतिम दिन था। मंदिर परिसर में बैठक कर कमेटी को भंग कर दिया गया और नई कमेटी का चुनाव 15 दिन के अंदर कराया जाएगा। चुनाव की तैयारी को लेकर मंदिर परिसर में ही श्री राम हनुमान मंडल के सदस्यों ने बैठक की। इस बैठक में चुनाव से संबंधित जानकारी साझा की गई और चुनाव की रूपरेखा तैयार की गई। महामंत्री पंकज पटवारी ने बताया कि पुराने कमेटी को भंग कर दिया गया है। 15 दिन के भीतर कमेटी का चुनाव मंदिर के कार्यप्रणाली चलाई जाएगी। सभी लोगों की सहमति से कमेटी के पदों पर चुनाव होगा। कार्यकाल है श्री राम हनुमान मंडल का, वर्ष 2020-22 का आज आखिरी आम सभा हुआ है और सदस्यों को बुलाकर आज हम लोग चुनाव की तिथि की घोषणा करेंगे और इसके बाद 15 दिन के अंदर चुनाव होगा। आज हम लोग जो सदस्य हमारे इस कार्यकाल में अच्छा काम किए हैं, सहयोग किए हैं, उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। केजरीवाल अस्पताल में युवा रक्तदान ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा रक्तदान ग्रुप मुजफ्फरपुर में आज जूरन छपरा स्थित केजरीवाल हॉस्पिटल में रक्तदान उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें स्वेच्छता से लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में फेसबुक के माध्यम से भी लोगों ने आकर रक्तदान किया। इस अवसर पर युवा रक्तदान ग्रुप के संस्थापक गोपी मेहता ने बताया कि हम लोगों का प्रयास है कि रक्तदान के प्रति सभी लोग जागरूक हो और हर घर से लोग अपनी मर्जी से रक्तदान करें। रक्त की कमी से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, वैसे लोग की जान बचाने के लिए लोग आगे आए और रक्तदान करें। एक व्यक्ति के रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। सभी लोगों से मेरा अपील है कि वह बढ़ चढ़ कर आगे आए और रक्तदान करें। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारे लोग डोनेशन करने के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ करके लोग आ रहे हैं रक्तदान करने। हम लोग का सर ये मोटिव है कि रक्तदान के प्रति जागरूक करना, क्योंकि गांव देहात में क्या होता है ना कि कभी कभी किसी को ब्लड नहीं मिल पाता है, ब्लड न मिलने के कारण उनको बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। तो हम लोग उस जगह पे काम करना चाहते हैं जहाँ पे हर घर जाने इसके बारे में और हर लोग रक्तदान के लिए आगे बढ़े और रक्तदान करें। चंद्रशेखर भवन के सभागार में लोक स्वतंत्र संगठन की ओर से आयोजित राज्य सम्मेलन में मानवाधिकार उल्लंघन विषय पर चर्चा की गई। लोक स्वतंत्र संगठन की तरफ से आयोजित 2 दिवसीय बिहार राज्य सम्मेलन के अंतिम दिन अंध राष्ट्रवाद में मानवाधिकार का उल्लंघन विषय पर चर्चा हुई। सम्मेलन का आयोजन मिठनपुरा स्थित चंद्रशेखर भवन के सभागार में किया गया। पहले सत्र में 19 दिसंबर 2021 को बनाई गई कार्यकारिणी के सदस्यों ने अपना पदभार ग्रहण किया। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर प्रभाकर सिंह ने कहा कि भारत में मानवाधिकार का उल्लंघन मामले में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। राष्ट्रभक्ति के नाम पर मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है। भारत में ऐसी स्थिति बन गई है जो इंदिरा गांधी के आपातकाल से भी बदतर है। अभी जो सरकार है वह सावरकर और गोलावकर के विचारों को अपनाकर भारत के संविधान पर विश्वास नहीं करती है। अपने विशाल तंत्र के माध्यम से न्यायालय व संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग कर रही है। सरकार बहुसंख्यक समाज में अल्पसंख्यक के प्रति घृणा ही नहीं हिंसात्मक स्थिति पैदा कर रही है। ऐसे में देश के मानवाधिकार संस्था पर देश की एकता और अखंडता रखने के लिए चुनौती सामने आ रही है। देश में अंध राष्ट्रभक्ति बढ़ती जा रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि राष्ट्रभक्ति क्या है। सरकार का विरोध करने वाले लोगों को देशद्रोही कहा जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। 14वां 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन
26 में जो पहले सत्र में जो 19 दिसंबर 2021 में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ था उसमें पद ग्रहण किया है और उसमें प्रोफेसर आनंद किशोर इसके अध्यक्ष के तौर पर और सरफराज हुसैन साहब जो पटना के हैं ये महासचिव के तौर पे हमने अपना पदभार ग्रहण किया है। साथ साथ चार उपाध्यक्ष उन्होंने किया सचिव और एक तीसरा के तौर पे पदभार ग्रहण किया। पहले सत्र में जो हुआ उसमें उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर प्रभाकर सिन्हा ने मानवाधिकार संबंधित विषय पर कि भारत की हालत में इस पे उन्होंने अपना विमर्श प्रस्तुत किया। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक यूनियन द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। उत्तर बिहार ग्रामीण रिटायर्ड स्टाफ यूनियन की वार्षिक आम सभा की बैठक रविवार को मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में संपन्न हुई। वही बैठक को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा ने कहा कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधक द्वारा रिटायर्ड स्टाफ और उनके आश्रितों का पीएफ राशि का वापसी हिसाब नहीं दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा पीएफ की राशि वापसी की गई है, लेकिन ऐसे लोगों को पेंशन अरियर का भुगतान नहीं किया गया। टैक्स डिटेक्टर राशि का ब्यौरा प्रबंधक द्वारा नहीं दिए जा रहा है। पेंशन भुगतान करने वाले शाखाओं के अधिकांश शाखा प्रबंधक उचित सम्मान तक नहीं करते। पेंशन धारकों द्वारा पेंशन भुगतान होने वाले शाखा के लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया तो गया, लेकिन संबंधित शाखाओं द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भेजा गया, जिस कारण बहुत से रिटायर्ड स्टाफ को पेंशन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसे लेकर बैठक में चर्चा की गई। बैंक रिटायरी स्टाफ यूनियन का यह विशेष बैठक है और इस बैठक में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रबंधन के द्वारा जो रिटायरीज के प्रति भेदभाव किया जा रहा है उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। खास करके बहुत सारे हमारे स्टाफ जिनको पेंशन तो मिल रहा है लेकिन उनके एरियर का भुगतान नहीं किया गया, बहुत सारे स्टाफ मर गए उनके एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, बहुत सारे स्टाफ जो पेंशन से लेने से वंचित हो गए 2.5 साल से ऊपर हो गया उनको अपना आवेदन किए हुए उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को जो है अभी पेंशन फिटमेंट में ख़त्म कर दिया गया है, जो बैंक का जो पेंशन का सर्कुलर है उससे परे हट करके यह बैंक प्रबंधन काम कर रही है। इतना नहीं, क्या रणनीति बनाई इस पर अभी हम लोग जो है पत्र देंगे और पत्र देने के 15 दिनों के अंदर यह प्रबंधन अगर उस पर सार्थक विचार नहीं करती है तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल तो हम कर नहीं सकते हैं चूंकि हम तो वर्किंग है नहीं, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।